इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन होगा या तीसरे मोर्चे की लॉटरी भी खुल सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने कई पत्रकारों के फिगर्स लिए हैं, अब इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आइए शीतल। बिल्कुल, और इस सफर को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करा देते हैं हमारे दिग्गज पत्रकार जो हमारे बीच मौजूद है, लगातार अपनी राय दे रहे हैं। हमारे साथ विजय सांघवी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पंकज वोहरा, जयशंकर गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवधेश कुमार हमारे साथ हैं, अनुज गुप्ता हमारे साथ हैं, रेणु मित्तल हमारे साथ हैं और एनके सिंह और कुछ और पत्रकार हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अब तक के जो हमने आंकड़े दिखाए हैं, इनके मुताबिक जो इनका आकलन है वो एक बार फिर से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। विजय सांघवी, इनके मुताबिक एनडीए को 182 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये विजय सांघवी का मानना है। यूपीए 110 सीट महज पा सकेगी और अदर्स को 251। इन्होंने एनडीए को 182 सीट दी है। बात करें अनुज गुप्ता की तो अनुज गुप्ता एनडीए को 250 सीट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, यूपीए को 135 और अदर्स को 158 सीट अनुज गुप्ता के मुताबिक। अवधेश कुमार एनडीए को 258 सीटें दे रहे हैं, उनके मुताबिक एनडीए 258 ले जाएगी, यूपीए 125 पर सिमट जाएगी और अदर्स 160 का आंकड़ा लेगी। ज्ञानेश्वर वात्स्यायन के मुताबिक एनडीए 245 लेता हुआ दिखाई दे रहा है, यूपीए 140 और अदर्स यानी अन्य दल 158 सीट ले जाएंगे। रेणु मित्तल ये कहती है कि एनडीए को 230 सीट हासिल होगी, यूपीए 135 सीट हासिल कर पाएगी और अदर्स 178, ये रेणु मित्तल का आकलन है जी। जयशंकर गुप्ता कहते हैं कि एनडीए 250 सीट ले पाएगी, एनडीए 250 लेगी, यूपीए का इनके बारे में इनका क्या कहना है अदर्स का? तो जयशंकर जी को हम एक बार फिर से बुलाते हैं ताकि हम जान सके कि यूपीए और अदर्स पे उनका क्या स्टैंड है। अभी तक उन्होंने बताया है कि एनडीए 250 सीट ले लेगी और उनको लगता है कि ये चुनाव जो है वो सिर्फ मोदी के आधार पर नहीं लड़े गए हैं, अगर कोई दूसरा होता तो भी 250 सीटों तक एनडीए पहुंच सकता था। यूपीए पर कितना दाव लगा रहे सर आप? यूपीए 140, कांग्रेस को इसमें 110 से 120, आप 100 पार करा रहे हैं? हाँ, 100 पार, 100 पार करा रहे हैं। और अदर्स के लिए? अदर्स के लिए आप देख लीजिए 153, अदर्श को 153। अनुज गुप्ता जी आप कुछ कहना चाहते थे इस डाटा? मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए, जब मैंने जो जिक्र किया हिसार के उपचुनाव के बाद, मैंने जो कांग्रेस का आकलन लगाया कि 115 से 120 के बीच में टिकेगी जाकर के, उस समय मैंने भाजपा कहां पहुंच पाएगी कांग्रेस यदि उन सीटों को लूज करती है, तो वो आंकलन मेरा 160-162 से आगे कतई नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि भाजपा की हैसियत नहीं थी एक साल पहले कि वो उससे अधिक बढ़ सके। इसलिए मुझे लगता है कि जो यदि 160 के ऊपर जो जा रही होगी वो नरेंद्र मोदी का फैक्टर है, जिसने न केवल संघ परिवार को गैल्वनाइज किया बल्कि युवाओं को अपनी तरफ मोड़ा है। इसमें हम दो बातें साफ कर दें, एक तो कांग्रेस के विरोध में इस देश में 1977 और 1989 में दो बड़ी लहरें थी, उसके बाद 99 में अटल जी के नेतृत्व में हुई, ये दोनों या तीनों लहरें दक्कन के पार नहीं पहुंच पाई। पहली बार भाजपा ने थोड़ा जरूर कर्नाटक में इनरोड किया, अगर ये लहर थी तो केरल में भी भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलनी चाहिए थी, अगर ये लहर थी तो तमिलनाडु में भी सीटें मिलनी चाहिए थी, अगर ये लहर थी तो पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी सीटें मिलनी चाहिए थी। देखिए मैंने कहा कि मोदी जी ने जो मिल रहा है 1984 में बहुत प्रचंड लहर थी, लेकिन आंध्र में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई थी। 1977 में बहुत बड़ी लहर थी लेकिन सह्याद्री के नीचे नहीं उतर पाई थी, कि पूरे आंध्र प्रदेश में एक सीट नीलम संजीव रेड्डी और वो स्पीकर और प्रेसिडेंट बनाए गए लेकिन उसके अलावा दूसरी सीट नहीं मिल पाई। तमिलनाडु में नहीं मिली, कांग्रेस के विरोध में जो लहर थी वो दक्कन के पार नहीं गई, इस बार भी ये लहर दक्कन के पार नहीं जा रही है। देखिये नरेंद्र मोदी का योगदान है, बहुत बड़ा सघन अभियान उन्होंने चलाया है, वो अपने नाम पे पूरा चुनाव लड़ा है, ये बात सही, इसमें हम कहीं इनकार नहीं है, लेकिन जो सो कॉल्ड लहर प्रचारित की जा रही है मीडिया के जरिए वो हम कहीं नहीं देख। अगर वो लहर है तो इनको 350-400 सीटों से कम मिलना नहीं चाहिए था। और जो एग्जिट पोल्स के बारे में दीपक में कह रहा था, जो फ्रॉड में शब्द यूज किया, इसलिए किया कि देखिए आप 249 से लेकर 340 सीटें दी गई है, हमारे यहाँ पत्रकारों का जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं
इसमें एवरेज आपका 239 आ रहा है और 250 से जो सबसे अधिक एनके ने दिया है 270 दिया है, इनमें वेरिएशन कम है। लेकिन एग्जिट पोल्स जो है, की बात हम करेंगे, एग्जिट पोल्स जो है, एग्जिट पोल्स आपके 249 से लेकर के 340 दे रहे हैं। ये कैसा एग्जिट पोल है? मतदान करने के बाद लौटने लोगों से आपने पूछ के एग्जिट पोल किया है और उसमें 100 सीटों का वेरिएशन रख रहे हैं आप। कर्नाटका में एक एग्जिट पोल ने कांग्रेस को 7 दिया है, एक ने 14 दिया है और एक ने 20 दिया है। अब एग्जिट हम कौन सी फिगर सही माने, क्योंकि इतना वाइड वेरिएशन जो है। एग्जिट पोल पे ये डिस्कशन नहीं है, ये डिस्कशन हमारे अपने एग्जिट पोल पे है, तो हमको अपने एग्जिट पोल पर बात करनी पड़ेगी। जयशंकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शीतल हम चलते हैं अगले नाम की तरफ और बुलाते हैं एनके सिंह साहब। बिल्कुल, एनके सिंह जिनका जिक्र अभी किया जयशंकर गुप्ता ने, और एनके जी प्लीज आइए। तो वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हमारे साथ हैं और ये क्या कहते हैं आइए आपको दिखाते हैं। इनके मुताबिक किसको कितनी सीट हासिल हो रही है, एनके सिंह के मुताबिक। एनके जी आप पहले बटन अपना जो बजर है वो दबाइए ताकि आपके आंकड़े स्क्रीन पर आ सके। बिल्कुल, एनडीए को 270 अब तक हमारे जितने भी पत्रकारों ने जो आंकड़ा दिया है एनडीए को, ये उसमें सबसे ज्यादा है। 270 एनडीए को एनके सिंह दे रहे हैं। यूपीए यूपीए का है 135। बिल्कुल, आप बजर दबाइए तो वो स्क्रीन पर आ जाएगा। यूपीए 135 सीट एनके सिंह दे रहे हैं। और अदर्स के खाते में कितना जा रहा है आपके मुताबिक एनके सिंह? 138। तो अदर्स 138 ले रहे हैं, सबसे ज्यादा एनडीए को 270 एनके सिंह, यानी जादुई आंकड़े से सिर्फ 2 सीट कम। इसका क्या आधार क्या है इस आंकलन? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि एक दीपक जी के इस फॉर्मेट में मुझे बहुत बड़ा एक साजिश लग रही है। ये हम सब लोगों को, देश के तथाकथित इन्होंने दिग्गज पत्रकार कहा है, सबको एक कमिटमेंट में बांध दिया इन्होंने। अब 16 को ये फिर दिखाएंगे कि देखिए आप लोग कहां कहां गलत थे, तो ये हम लोग की पोजिशन बहुत ऑकवर्ड होने जा रही है, तो इसलिए कॉशियस होकर बोलना पड़ेगा। एक बात बहुत साफ है कि जो दिल मान रहा है वो जो रेशनलिटी से आप सोचे तो वो नहीं है। फैक्ट ये है कि बीजेपी सिर्फ 8 करोड़ पिछली बार वोट पाई थी 2009 में, 18.6% वोट थे, जबकि कांग्रेस को लगातार 4 इलेक्शंस में, जब नहीं थी सत्ता में तो भी 1998 से लगातार 28% के आसपास वोट मिलते रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के बीच में 1.5 गुने का अंतर है। 8 करोड़ से कम वोट बीजेपी को मिले थे, कांग्रेस को 12 करोड़ मिले थे, और ये लगातार कांग्रेस का एक प्लेटू पे है, एक वोट का बेस है जो कि कभी कम नहीं हुआ था। 98 में भी कम नहीं हुआ, 99 में भी नहीं हुआ। तो ये मानने को अभी भी तैयार नहीं होता है दिमाग कि आप अचानक इतने नीचे आ जाएंगे, लेकिन जो फैक्ट है उसको देख के ये लग रहा है कि एक जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ा है इलेक्टोरेट पे, और ये कास्ट बैरियर्स को भी पार कर रहा है जो कि अभी तक नहीं हुआ था। रीजनल फोर्सेस 42% पे हैं, जबकि कांग्रेस 28% पे, बीजेपी 18% पे। रीजनल फोर्सेस लगातार बढ़ती जा रही है पिछले 1991 से। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है और कास्ट बैरियर्स टूट रहे हैं। कितना टूटेंगे मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरा जो ये 270 मानना है ये सिर्फ इस आधार पे है कि एक पैराडाइम शिफ्ट है पॉलिटिकल उसमें, और पब्लिक कास्ट बैरियर तोड़ के नरेंद्र मोदी को वोट दे रही है, और नरेंद्र मोदी को दे रही, बीजेपी को नहीं दे रही है। बीजेपी बुरी हालत में थी और हर तीसरे वोटर ने 98 से 2009 तक हर तीसरे वोटर ने बीजेपी को छोड़ दिया था। ये पहली बार हो रहा है कि हमारा जो आकलन है जिसके आधार पर हमने ये किया है, करीब 15 करोड़ बीजेपी को वोट मिलने जा रहे हैं, 8 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़, या लगभग दूना। ऐसे में तो 300 सीटें पहुंच जाएंगी सर, अगर कास्ट बैरियर तोड़ दिया गया। अब नहीं, देखिए 300 सीटें, देखिए एफपीटीपी सिस्टम है, एफपीटीपी सिस्टम में कई बार वोट शेयर और सीट शेयर मैच नहीं करता, उल्टा भी होता है। 1996 से लगातार अगर आप एनालिसिस करें तो पार्टियों का वोट शेयर बढ़ गया है, सीट शेयर कम हुआ है। कुछ पार्टियों का सीट शेयर बढ़ा है, वोट शेयर नीचे आ गया है। ये पैराडॉक्स एफपीटीपी सिस्टम की गलती से हो रहा है। तो लिहाजा जब आप सीट पे जाते हैं तो कई बार गलती जो आप देख रहे हैं एग्जिट पोल की, इसकी गलती क्यों है? कोई भी साइंस नहीं अलाउ करेगा कि 40% एंड रिजल्ट में गड़बड़ हो। यहां पे 249 से आप लेके 340 तक दिखा रहे हैं। नेचुरली जो जयशंकर जी ने कहा है सही कहा है कि तब ये साइंस नहीं हो सकता, साइंस में 40% का वेरिएशन नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि भारत में एफपीटीपी सिस्टम की प्रॉब्लम ये है कि वोट शेयर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा लेकिन सीट शेयर में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा।
यही पैराडॉक्स है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा वेरिएशन है। यानी आप जिस पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से एनडीए को इतनी सीटें मिल रही हैं, उस पैराडाइम शिफ्ट से आपका मतलब है कि अब हमारे देश में पर्सनालिटी बेस्ड वोटिंग हुई है और मोदी लहर जिसकी बात हर कोई कर रहा है वो लहर वाकई है। मोदी के साथ जो हुआ यह है कि एक शून्यता क्रिएट की कांग्रेस के माल फंक्शनिंग ने, यूपीए के टू के माल फंक्शनिंग ने एक शून्यता क्रिएट की। जनता की नजरों में लगा कि नहीं, करप्शन पे भी ये नहीं खड़ा हो रहा है, करप्शन हो रहा है, टेररिज्म पे बहुत ज्यादा तनके नहीं आ रहे हैं। सारा मिला के एक हुआ कि एक वर्ड क्रिएट होता है, चूंकि हमारा डेमोक्रेटिक फॉर्मेट एडवर्सेरियल है, तो अगर एक रूलिंग पार्टी शून्यता क्रिएट करती है तो उसको कोई भरता है। अचानक नरेंद्र मोदी आए, जब शून्य होगा तो लहर बनेगी। जो लहर हम शब्द इस्तेमाल करें, इसको टेक्निकली देखिए तो बड़ा सही है कि जो शून्यता क्रिएट हुई, और कभी भी जब डिप्रेशन क्रिएट होता है तो आंधी आती है, कहीं से तेज हवा आती है और वो उसको फिल करती है। तो नरेंद्र मोदी का जो फेनोमेना ना आप देख रहे हैं, चार फैक्टर पे था। एबल एडमिनिस्ट्रेटर मैसेज गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो सच था। नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल पे मैं 10 मिनट तक बोल सकता हूं कि कितना फॉल्टी है वो मॉडल। सोशल सेक्टर में कुछ भी नहीं हुआ है, सोशल सेक्टर में नेशनल एवरेज से भी कम दिया गया है। लेकिन ये फैक्ट है कि पब्लिक ने ये माना कि ये आदमी एबल एडमिनिस्ट्रेटर है, गुड डेवलपर है, डेवलप बहुत अच्छा करता है, डेवलपमेंट के जार्गन नरेंद्र मोदी ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं जानता है। आईएमआर से लेके आप सारा पूछिए, नरेंद्र मोदी पूरी तरह बताते हैं। बिल्कुल, इसके अलावा जीरो टेररिज्म पर ये आदमी अंकुश लगाएगा, एक ये फैक्टर था, और करप्शन नहीं होगा। ये चारों जो भारतीय जनमानस के बहुत ही आयाचित, मतलब बहुत ही अपेक्षा माना जाता था कि जनता इसी को चाहती है, नरेंद्र मोदी ने अपनी पर्सनालिटी में बड़े आराम से उसको क्रिएट कर लिया, जिसकी वजह से इस चीज को आप लहर कहें, सुनामी कहें, लेकिन ये फैक्ट है कि जनता ने पूरी तरह इंडोर्स किया और पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। बिल्कुल, एनके सिंह साहब के मुताबिक ये जो लहर है, मोदी की लहर, उसके चलते 270 एनडीए को सीट मिलेंगी। अब हम अपने अगले एक्सपर्ट को, अगले पत्रकार को बुलाते हैं, हमारे साथ पंकज वोरा जुड़े हुए हैं। पंकज वोरा आएंगे प्लीज। पंकज जी, आपके मुताबिक बजर दबा के एनडीए को कितना मिल रहा है, ताकि हम दिखा सके अपने स्क्रीन पे अपने दर्शकों को कि आपका क्या आंकलन है। पंकज जी के मुताबिक एनडीए को 230 सीटें हासिल हो रही हैं। 230 क्यों? देखिए, उसके कई कारण है कि जो ये चुनाव जो है, इसमें जो बीजेपी है, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जो है, जिन जिन नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स के अंदर कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है इलेक्शन, उसमें बहुत अच्छा कर रही है पंजाब को छोड़कर। लेकिन जहां जहां पे रीजनल पार्टीज के खिलाफ लड़ रही है, वहां पे नरेंद्र मोदी की जो संख्या, बीजेपी की संख्या को बढ़ाने में थोड़ी ये दिक्कत आ रही है। तो इसलिए जो है कि रीजनल लीडर्स ने कई जगह पे नरेंद्र मोदी को रोका है, चाहे आप साउथ में जगनमोहन रेड्डी ने सीमा आंध्रा में रोका है, जयललिता ने तमिलनाडु में रोका है, उसके बाद नवीन पटनायक ने, ममता बनर्जी ने, और हो सकता है कि यूपी और बिहार में भी जो चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे तो पता चलेगा कि बीजेपी को रोका गया है। तो जो है कि इस कारण से उस तरह की जो सुनामी जिसको कहा जा रहा है कि वो दिखती नहीं है, क्योंकि रीजनल लीडर्स ने कई जगह पे सुनामी को रोक दिया है। अगर सुनामी की बात करो तो कांग्रेस के विरुद्ध जो है बहुत तेज सुनामी है, और जो नरेंद्र मोदी की जितनी हाइप है या नरेंद्र मोदी का जितना ऊपर ग्राफ गया है, वो इस कारण से गया क्योंकि कांग्रेस जो है बहुत नाकामयाब रही है, और जो कांग्रेस की नाकामयाबी जो है वो बीजेपी की राइज और नरेंद्र मोदी की राइज में रिफ्लेक्ट कर रही है। एक बहुत, मतलब कि जो स्टेट क्राफ्ट के बहुत वो है मैकियावेली जी, उन्होंने बोला था, उन्होंने वो कहते हैं कि हर समाज में लोग जो होते हैं कमजोर होते हैं, लेकिन अपने नेता को बहुत मजबूत और बहुत शक्तिशाली चाहते हैं। तो उस तरह से मनमोहन सिंह जी को और कांग्रेस की लीडरशिप को देखकर लोगों को लगा कि बहुत वीक और बहुत अनस्टेबल टाइप लीडरशिप है, तो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी को लाया जाए, उससे नरेंद्र मोदी को जो है बहुत फायदा पड़ा है। तो ये कारण है जिसके कारण जो है 230 का वो। चलिए, तो कांग्रेस और यूपीए को कितनी सीट दे रहे हैं आप? यूपीए 105 पंकज जी के मुताबिक, और क्यों, वो अभी अभी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनकी क्या। मेरा मानना है कि कांग्रेस का जो है इस बार जो संख्या जो होगी 100 से कहीं नीचे जाएगी। कांग्रेस का ग्राफ बहुत, कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है, हर स्टेट में जो है कि कांग्रेस जो है कि बहुत खराब डिसिपल परफॉर्मेंस कर रही है, पंजाब को छोड़कर शायद, या कर्नाटक को छोड़कर, बाकी जगह पे डबल फिगर्स में आने के अंदर भी जो है बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा पंजाब में डबल फिगर्स में आ रही है, लेकिन
बाकी स्टेट्स में डबल फिगर में आने में कांग्रेस को बहुत मुश्किल हो रही है। रीजनल फोर्सेस ज्यादा पावरफुल हो रही है। कांग्रेस ने जो सदर्न इंडिया में, जैसे आंध्रा में पिछली बार 33 सीट्स ली थी, उनमें से 3 या 4 से ज्यादा सीट्स नहीं आ रही आंध्रा में। कर्नाटक में जो पिछली बार की टैली को अगर वो इम्प्रूव कर लेंगे तो थोड़ा बच जाएंगे। ये केरला में भी ऑलरेडी जो पीक थी वो पहुंच चुके हैं, और आंध्र ये क्या कहते हैं तमिलनाडु में लगता है कि कोई सीट कांग्रेस को नहीं आएगी। इम्प्रूव कर लेंगे तो थोड़ा बच जाएंगे। ये केरला में भी ऑलरेडी जो पीक थी वो पहुंच चुके हैं, और आंध्र ये क्या कहते हैं तमिलनाडु में लगता है कि कोई सीट कांग्रेस को नहीं आएगी। उसी प्रकार से कांग्रेस की जो है बिल्कुल वाइप आउट हो रहा है बहुत सारी जगह पे। और मेरा अपना पर्सनल मानना है कि कांग्रेस की 75-80 से ज्यादा सीट्स नहीं आएंगी, तो इसलिए यूपीए को मैंने 105 सीट। पंकज जी, आपने क्षेत्रों की बात की, रीजनल पार्टीज किस तरह से रोकेंगी एनडीए को, या कैसे वो कांग्रेस को बिल्कुल पछाड़ रही है, पीछे धकेल रही है। एनडीए की अगर बात करें तो ये जो रीजनल पार्टीज हैं या ऐसे क्षेत्र है जहां एनडीए की या बीजेपी की परफॉर्मेंस नहीं है या प्रेजेंस नहीं रही है, वहां पर कहीं पर आपको एनडीए अपनी उपस्थिति दर्ज करती दिखाई दे रही है, बंगाल की बात हो या? देखिए, मेरे को नहीं लग रहा। देखिए, एनडीए में क्या है, एनडीए में जो बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं शिवसेना को छोड़कर, वो तो 1-2-3 सीट से ज्यादा नहीं ला रहे। शिवसेना इज द ओनली एलाई ऑफ बीजेपी जो डबल फिगर्स में आ रही है। तो इसेंशियली जो भी एनडीए में जो कंट्रीब्यूशन होगी वो बीजेपी की संख्या के अंदर से ही आएगी। रीजनल पार्टी से ज्यादा कुछ वो नहीं है कि प्री पोल अलायंस दिखाने के लिए और एक प्रोपागेंडा पर्पजेस के लिए आप तमिलनाडु में 8 पार्टीज के साथ अलायंस कर लो, कहीं पे किसी तरह से अलायंस कर लो, उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं। मैं ऑन देयर ओन बोल रही हूँ। ऑन देयर ओन नहीं, बीजेपी के ऊपर ही एनडीए का सब कुछ निर्भर है। एक चीज तो है, जैसे बंगाल हुआ, केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, इसमें बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो ऊपर जाएगा, सीटों में कन्वर्ट होना हो, केरला में नहीं होगा सीटों में। इसमें दो राय नहीं है कि वोट परसेंटेज हाई होगा, पर एंड में जो है कि कितनी सीट्स किसके पल्ले हैं उसके ऊपर पोस्ट पोल सिनेरियो के अंदर जो अगली सरकार है वो बनेगी। पहले जो है कि सीट्स सामने आएंगी और उसके बाद पता चलेगा कि कौन सरकार बना रहा है। टीडीपी तो डबल फिगर में जा रही है, ऐसा नहीं लगता, लोग मान रहे हैं दिल्ली में, लेकिन ऐसा नहीं लगता जो उधर से रिपोर्ट्स आ रही हैं। आदर्श का क्या फिगर रहेगा सर? आदर्श 208, तो ये 208 में प्रमुख भूमिकाएं किसकी दिख रही हैं आपको? देखिए, इसमें वही तो कह रहा हूँ कि पोस्ट पोल सिनेरियो डिसाइड करेगा कि कौन सरकार बनाएगा। कि मैं ये नहीं कह रहा कि एनडीए की सरकार नहीं बन रही, अगर एनडीए इन 208 में से अपने नंबर्स ले लेगा और कुछ रीजनल पार्टीज को वू कर लेगा तो सरकार बनाने की स्थिति में होगा। और वो एनडीए की सरकार मोदी के साथ बनेगी या मोदी के बिना बनेगी ये देखना पड़ेगा, अगर फिगर्स लेने पड़ेंगे। और जो भी सरकार बनेगी वो एक तरह से कोएलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी और अनस्टेबल गवर्नमेंट ही बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये मोदी जी के बिना सरकार बन सकती है एनडीए की, क्या वो अलाउ करेंगे? देखिए, उसमें बीजेपी की लीडरशिप और आरएसएस की लीडरशिप को तय करना है। वैसे आदमी सोच नहीं सकता कि मोदी जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और बहुत मेहनत की है और एक इतिहास क्रिएट किया है। उनके बिना मतलब कि सोचा नहीं जा सकता कि एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन पॉलिटिक्स में गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी हो सकता है। और अगर कुछ एलाइज ये शर्तें रख दें कि मोदी जी के बिना हम ये सपोर्ट करेंगे तो शायद बीजेपी को कंसीडर करना पड़े, अगर सरकार सत्ता में आना है तो। बीजेपी को कंसीडर करेगा सत्ता में आना तो। शीतल, एक ब्रेक। बिल्कुल, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ और पत्रकार जुड़ेंगे, जिन्हों जो अपने अपने एग्जिट पोल्स के आंकड़े जो है, नतीजे जो है, वो आपके लिए लेकर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। नया पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रभु चावला जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं संतोष भारती जी, और सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से, हमारे साथ हैं अशोक टंडन जी, हमारे साथ प्रदीप सौरभ जी हैं, हमारे साथ अनिल बंसल जी हैं, हमारे साथ श्रवण गर्ग जी जुड़ेंगे दौर से, और साथ ही साथ हमारे साथ राहुल देव जी भी है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने जैसा कि अपने फॉर्मेट में बताया था कि हमारी जनादेश 2014 की स्क्रीन पर जो भी नंबर है वो यहाँ पर फीड है, और
हर कोई वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर आएगा, अपने नंबर्स बताएगा, उनको एक्सप्लेन करेगा और बाद में उन सबका टोटल हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। कितने वेरिएशन है हम ये भी बताएंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे, ये वेरिएशन क्यों आ रहे हैं इसकी भी बात करेंगे। और मैं सबसे पहले बुलाता हूँ प्रभु चावला जी को, उनके क्या फिगर्स हैं आइए उस पर पहले बात करते हैं। सबसे पहले प्रभु चावला जी को बुलाऊं, उससे पहले मैं जितने भी हमारे तमाम लोग आके गए हैं, हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकार आके गए हैं, शीतल से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका एक रिकैप करें। बिल्कुल, अगर रिकैप करें तो विजय संघवी सबसे पहले आए थे, एनडीए को उन्होंने 182 सीट दी, यूपीए को 110 सीट उनके एग्जिट पोल ने दिए, अदर्स को 251। अनुज गुप्ता ने एनडीए को 250-250 सीट दी इस एग्जिट पोल में, यूपीए को 135 और अदर्स को 158। अवधेश कुमार के मुताबिक एनडीए 258 सीट लेगी, यूपीए 125 और अदर्स 160। ज्ञानेश्वर वात्स्यायन के मुताबिक एनडीए को 245 सीट मिलेगी, यूपीए को 140 और अदर्स 158 ले जाएगी। रेनू मित्तल मानती हैं कि एनडीए 230 ले पाएगी, यूपीए 135 पर सिमट जाएगी, अदर्स को 178। जयशंकर गुप्ता के मुताबिक एनडीए को 250-250 सीट मिलती हुई दिख रही है, यूपीए को 140 और अदर्स को 153। एनके सिंह मानते हैं एनडीए को 270 सीट मिलेगी, यानी जादुई आंकड़े से केवल दो सीट कम, यूपीए को 135 और अदर्स को 138। दीपक, तो मैं सबसे पहले बुलाता हूं वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक प्रभु चावला जी को। प्रभु चावला जी आए और वो अपने फिगर्स बताए। पहले बोलने की इजाजत है ना कुछ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ये अपने श्रोताओं के लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी फिगर मैं दिखाने वाला हूँ वो इस बात के ऊपर निर्भर करते हैं कि मोदी की वेव जो दिखाई देती है वो वोटों में कन्वर्ट होगी कि नहीं। अगर वो वोटों में कन्वर्ट होगी तो मेरी फिगर्स ये हैं। एनडीए 268, अगर मोदी की लहर है तो इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब ये है कि मोदी की बातचीत नाम आता है उनका, अगर उनके कार्यकर्ता उनको, जैसे अब वाराणसी के अंदर केवल 55% वोट हुए हैं, अगर मोदी की लहर होती जितने लोग उनकी रैली के लिए आए गए हैं उतने लोग वोट करने नहीं जा रहे, जिसका मतलब वो लहर वोटों में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो जो दिखाई देता है कई बार वो सच नहीं होता, इसलिए वोटों में अगर कन्वर्ट नहीं हुई मोदी की लहर तो 268 से कम करके बहुत ज्यादा कम हो सकती है। जब मैं लहर का मतलब ये समझता हूँ कि जहां वो दिखाई दे रहे हैं कि 3D माध्यम से 300 रैलियां कर रहे हैं, उन्होंने विश्व भ्रमण कर लिया दो बार, एक 3 लाख किलोमीटर कवर कर लिया, परंतु उसके बावजूद भी वोटर अगर वोट पे पोलिंग बूथ पे नहीं आया है और बीजेपी के सिंबल के ऊपर उन्होंने मोर नहीं लगाई है, तो मोदी हर नाम मुंह में मोदी है पर वोटर बॉक्स में दिखाई देना चाहिए। ईवीएम की मशीन के अंदर भी मोदी हर हर मोदी होना चाहिए, खाली मुंह में से बात होने से नहीं होता है। ईवीएम की मशीन के ऊपर हर हर मोदी हुआ कि नहीं हुआ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एनके सिंह, कंडीशनल हो गया आपका एक कैटेगरिकल असेसमेंट कि अगर ये आया होगा, आपका इतना बड़ा अनुभव है तो एक कैटेगरिकल असेसमेंट क्या हो सकता है कि कितनी सीटें मिलेंगी? नहीं, आप मेरा सर, मैं तो मोदी की, क्योंकि जो इस बार चुनाव जो हो रहा है ये पहला चुनाव है जिसके अंदर प्रत्याशी का नाम ही नहीं होता है। ये मैं ऐसा चुनाव मेरे प्रमाण में, मेरे 35 साल के जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस में आपने भी किया है, कहीं आपको दिखाई दिया कि मोदी की फोटो लगी हो और कैंडिडेट की फोटो ही ना हो? तो जब मोदी हर जगह खड़े हैं, 428 बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी में मोदी खड़े हुए हैं तो मोदी को वोट कितने पड़ रहे हैं? प्रत्याशी का नाम किसी को पता है? मैं 50 कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद गया हूं, 50 में से 36 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोगों को कैंडिडेट का नाम नहीं पता था बीजेपी का प्रत्याशी कौन है। अगर वो वोट हुए हैं तो मोदी को वोट कितने पड़ रहे हैं? प्रत्याशी का नाम किसी को पता है? मैं 50 कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद गया हूं, 50 में से 36 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोगों को कैंडिडेट का नाम नहीं पता था बीजेपी का प्रत्याशी कौन है। अगर वो वोट निकलने के लिए जाते हैं तो वो मोदी को वोट देने के जाते हैं। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि मोदी को उन्होंने कैंडिडेट हर जगह बना दिया। उनकी वो जीप आती थी, गाड़ी खड़ी हो जाती थी हर गांव के अंदर जाकर के, जीप के अंदर मोदी का भाषण चल रहा है, कैंडिडेट किसी ने देखा ही नहीं, परंतु हर गांव में यूपी के अंदर मोदी की जो गाड़ी थी और जिसके अंदर उन्होंने स्पीच चला देते थे, वहां पर 10 लोग कहीं खड़े हैं, कहीं 100 खड़े हैं, कहीं 50 खड़े हैं, कैंडिडेट का भाषण नहीं हुआ। तो इसलिए मैं उसको कंडीशन मान रहा हूं कि मोदी 400-428 कैंडिडेट हैं वो नहीं है। अगर उन मोदी को समझ करके वोट देते हैं तो ये 208 मेरी अच्छी फिगर आएगी। अगर वो कैंडिडेट का नाम जिनको पता है तो हार भी सकते हैं उनमें से कोई, मतलब सड़कों पे जो भीड़ आई वो मोदी को देखने आई, मोदी को देखता है कि बटन ना दबाए वो। शाहरुख खान और आमिर खान जब पहली बार जाते हैं कहीं पर तो बहुत भीड़ हो जाती है भाई।
मोदी क्योंकि पहले दिखाई नहीं दिया और एक प्रोपेगंडा उनका होता रहा, तो मोदी की एक आकर्षण भी था कि ये मोदी है कौन, इनको देखा नहीं किसी ने। कई जगह तमिलनाडु के अंदर मोदी जब भीड़ पहली मीटिंग में गए थे 5.5 लाख लोग थे वहां पर, उसके बाद उसको वो सीट हारने वाले आपके ओपिनियन पोल के साथ वो हारने वाले सीट को। तो इसलिए मोदी जहां पर कैंडिडेट है, ये पहली बार है कि मोदी कैंडिडेट बन रहे हैं। अगर मोदी की वेव है और मोदी को वोट पड़ रहे हैं तो 268 सीटें मोदी के नाम से आएंगी, क्योंकि मोदी 268 जीतेंगे, कमल नहीं जीतेगा। आपको लग रहा है मोदी की वेव है? मोदी वोट दिखाई देती है, मैं कह रहा हूँ, मान लो जहां भी गांव मोदी का नाम है, हर घर घर में नाम है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि इतना पॉपुलर नेता वेव के अंदर कोई नहीं हुआ। सर फिर 268 कंडीशनल क्यों? अगर आपको दिखाई पड़ रही है तो मोदी के ऊपर वोट देने, जब मैंने किस्सा बताता हूँ, एक तमिलनाडु के गांव के अंदर हम बैलेट पेपर लेकर के गए, मैं पोलिंग बूथ के बराबर को वहीं पर सोया गांव के अंदर, मैंने उनको फोटो दिखाई 8 लोगों की, उन्होंने कहा कि इसके अंदर मोदी के अंदर 100 में से 27 लोगों ने मोदी को जानते हैं हम किया। उसके बाद मैंने दूसरे दिन उसी गांव में जाके सुबह जाकर के मैंने खाने चाय पी उनके साथ, उनको मैंने बैलेट पेपर दे दिया कि आप इसके ऊपर लगाइए, तो जो मोदी 27% जिन्होंने ले गया था उनमें से केवल 3% ने बीजेपी के सिंबल के ऊपर मोर लगाई, तो वो मोदी को जानते थे परंतु सिंबल को नहीं जानते थे। ये तमिलनाडु के 2 गांवों के अंदर हुआ जिसके अंदर मोदी को ज्यादा लोगों ने पहचाना, परंतु जब वोट देने की बताई तो वहां पर 3 पत्तियां जो है अन्ना डीएमके की उसके ऊपर सबसे ज्यादा वोट लगे। तो वाराणसी में तो ऐसा नहीं हो सकता है, वहां तो कमल लोग जानते थे, और वाराणसी में 13% ज्यादा मतदान पिछली बार से हुआ है। 55 आपको भले कम लग रहा हो लेकिन पिछली बार के तुलना में 13% अधिक मतदान होना, ये आप भी जानते हैं आपके जैसा अनुभवी कि ये साधारण वृद्धि नहीं है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम हुआ? नहीं, पहले बताइए यूपी के कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10% से कम हुआ? यही तो कह रहा हूँ, राहुल अमेठी के अंदर भी 55% वोट पड़ा है भाई। नहीं नहीं, सभी जगह 12-13% में ज्यादा मतदान हो रहे हैं, तो ये कम थोड़े है, देखने में 55-56 कम लगता है। जिस रैली के अंदर 5-5 लाख लोग आ रहे हैं, 8.5 लाख वोट वहाँ पड़े हैं, मोदी 2 बार गए, 5-5, 3-3 लाख इकट्ठे किए, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मोदी के नाम से, हर जगह तो मोदी जीत नहीं रहे, आप भी 50-55 सीटें दें, जहां पर बाकी जगह 60% वोट पड़े हैं तो वहां पर क्या मोदी को तो वोट नहीं मिल रहे? जो जहां मुलायम सिंह जीतेंगे अगर, तो मुलायम के बाद जीतेंगे। प्रभु जी, तमिलनाडु के सैंपल को हम बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली का सैंपल नहीं मान सकते, ये तो आप स्वीकार करेंगे? नहीं, मैं कौन सा कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मोदी की वेव है, अगर सीटों में कन्वर्ट हो रही है तो मोदी को 268 सीटें मिलेंगी। आप 55% रिपोर्ट कहते हैं, मैंने को ये मोदी की, अगर प्रधानमंत्री या कैंडिडेट वाराणसी के अंदर 70% या 80% वोट नहीं करा सकता तो पॉपुलरिटी नहीं है। प्रभु जी, आप इसको 43%, क्योंकि यूपी में एवरेज कम रहा है, सारे देश में एवरेज बढ़ा है, यंग वोटर सब जगह से बढ़ा है, कौन से प्रदेश के अंदर वोटिंग कम हुई है बताइए? पहले जम्मू जैसे कश्मीर के अंदर कर जहाँ 5% वोट होती थी, 8% होती थी, वहां पर इस बार 37% 23% होगी, तो मोदी के हुई है क्या? वहां तो मोदी नहीं जीत रहा, वो क्या फारूक अब्दुल्ला को वोट देने गए? अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 60% वोटिंग हो सकती है जहां पर मोदी का नाम नहीं लेने वाला कोई, तो जम्मू, उधमपुर और लद्दाख में तो मोदी का नाम लेने वाला, पर आप मैं कह रहा हूँ श्रीनगर में क्यों ज्यादा वोटिंग हुई, मैं तमिलनाडु में वोटिंग ज्यादा क्यों हुई, और असेंबली के, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर जहाँ आप कहते हैं कि मोदी की लहर है, वहां पर 60% वोटिंग नीचे क्यों हो गई जबकि असेंबली के अंदर 73% हुई? जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट इतना अट्रैक्ट कर रहा है, रोज भाषण दे रहा है, तो लोग निकल करके आने चाहिए, इसका मतलब वो प्रधानमंत्री को चुनने के लिए उतने वो दिखाई नहीं देते जितने चीफ मिनिस्टर को चुनने के लिए आए थे। अरे स्वतंत्रता से आज तक सारा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया चुनाव ने, फिर भी आप नहीं मानते हैं कि उनको वोट दे? 62% वोट तो पहले भी देश के अंदर एवरेज निकालोगे हिंदुस्तान की, आप 62% 63% निकलेगी, 60% पहले भी वोट पड़ चुके हैं, 64% मैक्सिमम था या 84 में से पड़े ना, उससे ज्यादा इस बार नहीं पड़ने वाले, उससे ज्यादा 64% से एवरेज निकालेंगे, 2% उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पहली बार देश के अंदर हुआ कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट इतनी मीटिंग अटेंड कर रहा है, कभी होता था पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब लहर नहीं कहर है, नहीं कहर तो नहीं है, लहर है, पर लहर जो है कई बार बाहर ले आती है, कई बार लोगों को डुबा भी देती है। प्रभु जी, तो मतलब मोदी डूब नहीं सकते? मैं नहीं कह रहा कुछ भी, अगर वोट नहीं पड़ते पता नहीं क्या। गुजरात को अगर आप देखें तो गुजरात से प्राइड के वहां के लोगों को क्या हो सकता है कि नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और 2012 के चुनाव को अगर आप देखें असेंबली को, वहां 71% वोट पड़ा था, और अगर मोदी की लहर है तो वहाँ इस बार 63% वोट पार्लियामेंट में पड़ा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, आप वही मेरी बात को आप सपोर्ट कर रहे हैं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, गुजरात का जैसे एग्जांपल उठाया, ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर मोदी चौथी बार जीत करके आए हैं, तीसरी बार, पर पार्लियामेंट की सीटें हमेशा कम आते रहते हैं,
केशव भाई साहब ने 21 सीटें ला करके दी थी, उसका रिकॉर्ड आज तक नहीं जीता। केशव भाई ने असेंबली के अंदर जितने सीटें ली उसका आज तक नहीं जीता। परंतु फर्क यह है कि इस बार मोदी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, तो उसका कोई इन्फ्लुएंस वहां हो सकता है। अगर लहर है तो गुजरात में भी दिखाई देगी। कांग्रेस की सीटें वहां पर 10 सीटें अगर आ गई, वहां पर कांग्रेस की एमपी की जो पिछली बार आई है वो मोदी की जब जीत गई उसके बाद 10 सीटें पार्लियामेंट की आ जाती हैं, तो इसका मतलब मोदी को वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में पहले अब पहली बार देखना चाहते हैं। तो मेरा लहर का मतलब यही है कि अगर आपने मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो वोटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखने के लिए नहीं आना आपको, उनको बनाने के लिए आना है। क्या वो देखने के लिए आ रहे हैं तो लहर नहीं है, अगर बनाने के लिए आ रहे हैं तो 270 सीटें आएंगी, 270 सीटें आएंगी। प्रभु आप यूपीए को क्या दे रहे हैं? यूपीए को मैंने बताया आपके साथ, बटन देख लीजिए, आपको बटन दबा दीजिए, हम बटन दबाया था आपको। यूपीए 120 दीजिए, अदर्स 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 के लिए बटन दबा दीजिए, अदर्स को आप दे रहे हैं 155। तो दोनों को मिलाकर के एनडीए से ज्यादा बनते हैं, मतलब आप मोदी की सरकार नहीं बना? नहीं, 268 आके तो बनेगी, अपना कोई दूसरा बनाने का क्लेम ही नहीं करेगा। 268 अगर उनके आ जाती है तो बाकी जो लोग बैठे हैं वो तो वैसे ही आ जाएंगे, पर अदर्स का मतलब उसके अंदर ऐसे भी लोग हैं, इंडिपेंडेंट भी आएंगे, कुछ लोग भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। वो छोटे 200 जैसे ही 250 का आंकड़ा पार होगा तो मोदी की सरकार बन जाएगी। 250 कट ऑफ प्वाइंट है एनडीए के लिए, उससे नीचे जब आएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कितने नीचे आ सकते हैं? कितने अगर एरर देखें आप पिछले एग्जिट पोल का, पिछले 3 एवरेज निकालें, 30% का एवरेज एरर आता है, तो अगर आप 270 में 30% का एवरेज निकालें 200 नीचे चले जाएंगे वो लोग। तो इसलिए ये वेव के ऊपर हमेशा ये है कि मोदी के नाम से वोट पड़े हैं तो मेजोरिटी आएगी। अगर मोदी के नाम से जितने, जैसे अडवाणी जी का कहना है जैसा कि मोदी इशू चुनाव में बन जाएंगे, वो सच लग रहा है बिल्कुल। मोदी उन्होंने किस तरीके से कहा था, क्यों कहा था, मोदी इस चुनाव का इश्यू है, लोग मोदी को इश्यू बना करके उनके खिलाफ भी उतने लोग हैं जितने उनके फेवर में हैं। अब खिलाफ में ज्यादा हैं या फेवर में ज्यादा हैं ये मोदी लहर डिफाइन करेगी। अगर फेवर में है तो मोदी लहर है, नहीं है तो मोदी लहर नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। तो प्रभु ने बताया कि मोदी की अगर लहर है तो एनडीए 268, यूपीए 120 और अदर्स 155 आ सकते हैं। संतोष भारती जी प्लीज। राहुलदेव को बुलाते पहले, मैंने कहा अच्छा होता राहुल जी को पहले बुलाते। सर लैपटॉप का बटन और आपका फिगर पीछे स्क्रीन पर आ जाएगा यार इसको। तो आप एनडीए को कितनी दे रहे? मैं एनडीए को 230 दे रहा हूँ। लैपटॉप से अगर आप दबा दें तो हमारे पीछे स्क्रीन पर आ जाएगा 230। सर 230 क्यों एनडीए को? मैं आपको ईमानदारी से एक स्वीकारोक्ति करता हूँ जी, कन्फेशन जी, मुझे इस किसी फिगर में भरोसा नहीं है। मैं जो अपनी फिगर आपको दे रहा हूँ इसके ऊपर भी मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये चुनाव ये सचमुच चुनाव पत्रकारों की समझ से परे और सर्वे करने वालों की समझ से परे का चुनाव है। इस चुनाव में जनता ने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी है। इस चुनाव में अगर किसी ने खेल खेला है तो पैसे वालों ने खेल खेला है, चाहे वो सट्टा बाजार हो, चाहे वो शेयर बाजार हो। अरबों रुपए का हेर फेर हुआ है पिछले 10 दिनों में, लोगों के स्टॉक मार्केट आसमान पे गए हैं, पैसे का खेल हुआ है। लेकिन जनता का खेल मुझे लगता है परसों 16 तारीख को पता चलेगा, इसलिए मुझे इनमें से किसी पे भरोसा नहीं है। उसके कारण है मेरे पास। पहली चीज सबसे महत्वपूर्ण, जिस पार्टी को 523 कैंडिडेट नहीं मिले हों वो पार्टी सरकार बनाने की बात सोच रही है अचंभा है। अगर 394 सीटें एक पार्टी लड़ती है, अगर मैं गलत नहीं हूं फिगर के ऊपर, 428 अगर 428 हैं तो उसमें अगर 300 या 200 जीतने की बात करते हैं, हमारे यहाँ 50% वैसे ही मान लेते हैं। लेकिन मैं पार्टी के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि पार्टी ने मुद्दों के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा है। और इस चुनाव में लोग आए हैं धक्के के साथ, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि 18 से 24 का तबका उम्र का उसने हर जगह मोदी मोदी किया है, क्योंकि उसको लगा है कि शायद उसके बाप की महंगाई कम होगी और उसको कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। इसलिए इन सारी फिगरों पर, कहीं पर मैं प्रभु जी की बात से सहमत हूं कि अगर
अगर कहीं लहर है और लोगों का विश्वास है तो फिर वो 300 के आसपास जानी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, और नहीं तो फिर रुक जाएंगे ये 220 230 इसके आसपास, और फिर जोड़ तोड़ होगा जो हिंदुस्तान के लिए और खतरनाक स्थिति होगी। क्योंकि आज की तारीख में जोड़ तोड़ करने वाले नेता भी उतने समझदार नहीं हैं जितने आज से 20 साल पहले थे। मैं अटल जी के समय तक की बात कर रहा हूं, इतने ईमानदार भी नहीं है। मैं इस लहर को, अगर हमारे सारे साथी यहां पर जिनको याद होगा 89 में यूं हवा चल रही थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, राजीव गांधी समाप्त, वीपी सिंह आएंगे, और चुनाव में जब रिजल्ट निकला 144 सीटें। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम जितनी चीजें जो फिगर हम ला रहे हैं अपने अंदाज से, दोस्तों से बातचीत करके, और जाहिर है हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो हमारी विचार के होते हैं, हमारे सोच के होते हैं, परस्पर विरोधी व्यक्ति से हम बात नहीं करते जिससे हमको दूसरा पक्ष भी मिल सके। किसी बीजेपी के साथी से बात करेंगे वो कहीं भी 260-270 से नीचे नहीं आता। अब तो चाणक्य ने मौका दे दिया है 300-350 तक ले जाने का, अब कोई 372 नहीं ले जा रहा है, ये भी मुझे कमी लग रही है। हो सकता है कल तक कोई ना कोई कह दे। सबसे बड़ी दिक्कत हम पत्रकारों की ये है, और जो पिछले 3 चुनावों में दिखाई दी, हम लोगों का मन नहीं भांप पाए, सर्वे करने वाले भी नहीं भांप पाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने उसको ग्लैमराइज किया, प्रिंट के लोग थोड़े से जमीन के नजदीक रहे लेकिन वो भी पूरी तौर पे नहीं समझ पाए। और फिर लोकतंत्र का ये एक सबसे खूबसूरत पहलू भी है कि अगर लोगों की मन की बात हम सर्वे करने वाले, हम अंदाज लगाने वाले, कंप्यूटर पे बैठने वाले लोग अगर जान जाएं, तो फिर लोकतंत्र की वो खूबसूरती भी खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यूपीए को कितनी दे रहे हैं? सर मैं यूपीए को दे रहा हूँ 145। और अदर्स को? 168। अदर्स को मतलब आप ये चुनाव बिल्कुल समझ नहीं पाए? नहीं, चुनाव को मैं समझ पाया हूँ, लेकिन चुनाव में लेकिन क्या लेकिन लेकिन नहीं समझ पाया। लेकिन चुनाव से जो नतीजे साथी लोग निकाल रहे हैं, मैं उनका मन नहीं समझ पाया हूँ। वो मन है जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाह रहा है, वो एक तरह के फिगर दे रहा है। नहीं, ये कैसे हो सकता है कि जो मैं 230 की फिगर दे रहा हूं, अभी मैं देख रहा था कि जो इसके पहले पैनल था 3-4 लोगों ने वही दिया, लेकिन बाकी लोग उसको 270, हम इसी जमीन पर हैं, इन्हीं लोगों के बीच में घूमते हैं, इन्हीं लोगों से बात करते हैं, हमारे अंदाजे अलग अलग क्यों होते हैं? अगर हम ईमानदार पत्रकार हैं, क्योंकि हम अलग अलग इंसान हैं, हमारी फितरत अलग नहीं, अलग नहीं, हम अलग हम सोचते अलग अलग नहीं, फितरत अलग अलग नहीं है। ईमानदारी का क्वेश्चन नहीं है, पहली बात। दूसरा कि अगर आप अभी भी वीपी सिंह के दुनिया में घूम रहे हैं कि उनको 146 आया, तो उसके नहीं 44 है लेकिन 46 हो गया था, उनको मालूम है 146 सीट हो गई थी, तो उस समय 89 और 2014 में व्यापक अंतर आ चुका है। एक मिनट, और उसमें आप बीजेपी का 86 भी जोड़ लीजिए, उसमें वामपंथी दलों का भी जोड़ लीजिए, क्योंकि गठजोड़ था उसमें, उसमें बाकी दलों को जोड़ लेंगे, तो उस समय भी एक बहुमत जैसी स्थिति बनी थी। ऐसा नहीं था कि नहीं बनी थी, आप जो दे रहे हैं उतने निराश 400 ज्यादा सीट वाले थे, 412 आज जो सरकार की स्थिति है, एक भ्रष्टाचार के मुद्दे के अलावा और वैसी खराब स्थिति राजीव गांधी सरकार की नहीं थी जो आज है। जनता को टच करने वाला मुद्दा महंगाई ज्यादा है और वो उस समय वो मुद्दा नहीं था। देखिए उस समय और तब भी राजस्थान में बीजेपी जनता दल मिलकर लड़े थे, पहली बार 25 की 25 सीटें दोनों ने जीती थी। मैं अरविंद जी की बात के ऊपर बताता हूँ कि आप सबको जोड़ लीजिए। देखिए हम बुद्धिजीवी हैं, तर्क भिड़ाएंगे, लेकिन मैं उस समय जब ये चुनाव चल रहा था किसी को ये नहीं पता था कि बीजेपी की इतनी सीटें। अरविंद जी की बात के ऊपर बताता हूँ कि आप सबको जोड़ लीजिए। देखिए हम बुद्धिजीवी हैं, तर्क भिड़ाएंगे, लेकिन मैं उस समय जब ये चुनाव चल रहा था किसी को ये नहीं पता था कि बीजेपी की इतनी सीटें आएंगी, किसी को अंदाजा नहीं था। ये मैं उस हवा की बात कर रहा हूं जिसमें वीपी सिंह का नाम था। और आज के दौर में जब हम नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, वीपी सिंह के चुनाव में तो फिर भी इश्यूज थे, इस चुनाव में तो मुझे कहीं भाषण तो दिखाई दिए लेकिन मुझे सटीक मुद्दे कहीं नहीं दिखाई दिए। मेरा मुझे दुख इस बात का है कि ये चुनाव लोकतंत्र में एक
माइनस पॉइंट कर गया कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को बिल्कुल वॉकओवर दे दिया, अपने को लड़ाई से ही हटा लिया और इस बुरी तरह लड़ाई से हटाया कि जो लोकतंत्र को, लोकतंत्र में भरोसा करते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं दुख हुआ। अगर बराबर की लड़ाई होती शायद इस चुनाव से मुद्दे निखर करके ऊपर आते और वो मुद्दे लोगों को ज्यादा शिक्षित करते। लोगों ने इसको एक बड़े तमाशे के रूप में लिया, आशाएं भी बहुत हैं। अब मैं प्रभु जी का नाम लेता हूं। मैंने फोन किया, एक कोल जाति होती है बुंदेलखंड में, बहुत गरीब लोग होते हैं, आदिवासी कहे जाते हैं। मैंने वहां किसी पत्रकार से को जानने के लिए फोन किया, उसने कहा इन कोलों में मोदी जी की चर्चा हो रही है। ये मेरे लिए आश्चर्य की चीज थी और मैं इसे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत भी मानता हूं। जैसे 100 करोड़ खर्च हुए हों या 1000 करोड़ खर्च हुए हों या 7000 करोड़ खर्च हुए हों, नरेंद्र मोदी के कैंपेन ने इस देश में वोट डालने के लिए और लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत दिया है कि लोग चुनाव को, वोट डालने के महत्व को समझ पाए हैं। पर यह सच बात है कि अगर जो वोट पड़ा है वो वोट वही है जैसे बहुत सारे दोस्तों की इच्छा है तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और अगर वोट पड़ गया तकलीफ को लेकर के, या अगर वोट पड़ गया इस आशा में कि ये भी हमारे बारे में कुछ अच्छा करेंगे, तो फिर एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ सकता है और मुझे लग रहा है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट शायद आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संतोष भारती जी। सीधे चलते हैं अजय शुक्ला के पास, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैटेलाइट लिंक से जुड़े हुए हैं अजय शुक्ला हमारे साथ इस वक्त। अजय शुक्ला जी, क्या फिगर देंगे आप? जी मेरी समझ से दीपक जी, मुझे लगता है कि जो जैसा मैंने देखा है और जितना मैंने 6 राज्यों में विजिट किया है, उससे मुझे ये लगता है कि 280 सीट्स जो है एनडीए की आ सकती हैं, क्योंकि उसकी वजह है जिन जिन इलाकों में आप चर्चा नहीं कर सकते थे, लोग राजनीतिक चीजों पे बात नहीं करते थे, वहां पर भी आज लोग चर्चा करते नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं मोदी। और मोदी वेब तब नजर आती है जब वहां पर दिखता है कि उस गांव में जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है लेकिन मोदी का नाम पहुंच गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां लोग नहीं देख रहे हैं, अखबार पढ़ने के लिए अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जाते हैं और चाय की दुकान पर अखबार पढ़ते हैं। तो ऐसे शहरों में, ऐसे गांवों में जाकर के भी देखा वहां पर भी कि अब की बार मोदी साहब को मौका देना चाहिए। तो ये एक चर्चा जो देखने को मिली मुझे झारखंड में देखने को मिली, मुझे इवन कानपुर जैसे जिले में एक गांव है सिउली थाना क्षेत्र में, वहां मैं गया, वहां पर मुझे ये चीज देखने को मिली। तो मैं इस तरह से बताता हूं कि कमोबेश ये स्थिति है, इससे मुझे लगता है, और जैसे मैंने आकलन किया चंडीगढ़ में मैं बैठा हुआ हूं, चंडीगढ़ में आज तक पूरे इतिहास में 2 बार भाजपा जीती है, 1996 में और 1998 में, उसके बाद से लेके आज तक और उसके पहले आज तक कभी भाजपा का नाम नहीं रहा, लेकिन इस बार मोदी के नाम पे वोट पड़ा है। और आपको एक चीज बताऊं, किरण खेर को शायद उनके परिवार का भी वोट ना मिलता, लेकिन आज किरण खेर नहीं, लोगों ने कहा कि मैं किरण खेर को नहीं मोदी को वोट दे रहा हूं। तो कमोबेश ये चीज जो देखने को मिली, और कई सारे कांग्रेसी मिले जो जाकर के जी। अजय कितने नंबर देंगे आप एनडीए को, कितने देंगे एनडीए को, कितने देंगे यूपीए को, कितने देंगे अदर्स को, कितने देंगे, उसके बाद आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं एनडीए को 280 सीट्स देता हूं और यूपीए को 100 सीट्स देता हूं और अदर्स को 163 सीट देता हूं। अदर्स को 163। इस ब्रेकअप में के पीछे आपका क्या तर्क है? आपने कहा कि आपने मोदी की लहर चारों तरफ देखी है, लेकिन सवाल यहां पर कई सारे बड़े पत्रकार उठा रहे थे कि क्या मोदी की ये लहर वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी? आप कह रहे हैं आपने 6 हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स में दौरा किया है, क्या आपको ये मोदी की लहर वोटों में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दी है? बिल्कुल दीपक जी, मुझे मैं हरियाणा से शुरू करता हूं। हरियाणा में 8.76% वोट होता था भारतीय जनता पार्टी का, जो सबसे ज्यादा रहा है, लेकिन इस बार
हम इस उम्मीद में है वहां पर कि 6 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले जाती नजर आ रही है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मोदी नजर आती है। उसके बाद में आप आगे आइए, चंडीगढ़ जैसी सीट है वहां पर आप यही स्थिति देखते हैं। इसके बाद में आप हिमाचल चले जाइए, हिमाचल में तो ज्यादा आती रही है लेकिन इस बार हिमाचल में 50-50 का रेशियो नजर आता है जबकि वहां पर अभी हाल ही में चुनाव हुआ था पिछले साल। और इसके बाद में आप आकर के उत्तराखंड आ जाइए, उत्तराखंड में लगता है कि 5 में से 3 से 4 सीटें आ सकती हैं। इसके बाद में उत्तर प्रदेश आ जाइए, उत्तर प्रदेश में मुझे 51 से लेकर 56 सीटें तक नजर आती हैं। तो और इसके बाद में आप बिहार आ जाइए, मुझे बिहार में 25 से 30 सीटों के बीच नजर आती हैं। इसके बाद में झारखंड में इसी तरीके से, तो जो ये स्थितियां हैं और इसके पीछे मेरी वजह है, मैं इसमें जातिगत गणित भी देखता हूं, मैं इसके पीछे जो लोगों की भावनाएं हैं उसको भी देखता हूं और मोदी के नाम पे किस तरह अंधापन लोगों का था वो भी देखता हूं। मैं कानपुर का एक उदाहरण देता हूं, कानपुर में लोगों ने कहा नहीं हमारे रोज घर आते रहे हैं श्री प्रकाश जायसवाल, हमें कोई मतलब नहीं उनका कोयला घोटाले में नाम है या किसमें है। लेकिन मैंने जब 27 तारीख की शाम उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं अब तो हम मोदी को वोट देंगे। हमने कहा मोदी को मतलब वहां से तो मोदी नहीं लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मुरली मनोहर जोशी लड़ रहे हैं लेकिन हम तो वोट मोदी के नाम पे देंगे, मुरली मनोहर जोशी के नाम पे वोट नहीं देंगे। तो कहीं पे आकर के जब आदमी ये कहता है, वो कट्टर कांग्रेसी परिवार कहते हैं जो कांग्रेस से तब से जुड़े हुए हैं जब नेहरू गांधी परिवार वहां पर सक्रिय होता था, विजय लक्ष्मी पंडित जी जब वहां से चुनाव लड़ती थी उस दौर के जुड़े लोगों परिवारों का ये कहना था। तो ये मेरा इसके पीछे लॉजिक है और मुझे लहर नजर आती है। आपको लहर नजर आती है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शुक्ला। हमारे साथ श्रवण गर्ग जी भी जुड़े हुए हैं इंदौर से, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन अब मैं बुलाता हूं अशोक टंडन जी को और इस सिलसिले को अब आगे बढ़ाएंगे। शीतल के साथ में लगातार बना हुआ हूं। शीतल, अशोक टंडन जी, तो हमारे साथ अशोक टंडन जुड़ चुके हैं। और टंडन जी, आपके मुताबिक आपसे हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, क्योंकि दीपक टंडन जी वक्त एक ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश जारी है। ब्रेक के बाद हमारे साथ अशोक टंडन होंगे, हमारे साथ राहुल देव और तमाम वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।